गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर फोर एथिक्स में प्लेटो या प्लूटो के बारे में। इसके पहले हम कौटिल्य, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को समझ चुके हैं, आज प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन में आता है, तो वो सारे सेक्शन को कवर करते हुए हम एक साथ कंप्लीट करेंगे प्लेटो के बारे में। हर क्वेश्चन में एक शुरुआत रहती है थिंकर्स के लिए, तो यहाँ पर प्लेटो से संबंधित हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म 438 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। इन्होंने सुकरात के अमूर्त विचारों को साहित्यिक रचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया। प्लेटो के प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु थे। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये पूरा एक चेन है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को नए नए विचारों से अवगत कराया। तो न तो हमारे सिलेबस में सुकरात है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्लेटो हैं तो प्लेटो। अब बात करते हैं इनकी कुछ जो किताबें हैं, रचनाएं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, तो प्लेटो ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, सिंपोजियम, फ्यूडो आदि है। इन बुकों के नाम आप बेटर रहेगा अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखें और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखें। अगर हिंदी मीडियम है और आप ऐसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा वो ठीक नहीं रहेगा, राइट। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, MPPSC जो 6 पेपर है जिसमें ऐसे निबंध का रहता है, तो कन्फ्यूजन जो रहता है दोस्त बहुत सारे लोगों में कि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में वो ऐसे लिखेगा। आप याद रखें 5th पेपर और 6th पेपर दोनों आपका कोई भी मीडियम है आपको हिंदी में ही आंसर करना पड़ेगा। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करते हैं। प्लेटो की किताबें देख ली हमने, अब प्लेटो के कुछ सिद्धांतों पर, इनके विचारों पर बात करेंगे। तो प्लेटो के अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण अंगों में न्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है। समाज में व्याप्त अराजकता और अव्यवस्था राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं द्वारा जब नियंत्रित नहीं होती है तब न्याय प्रमुख नियंत्रणकर्ता के रूप में सामने आता है। प्लेटो बताते हैं कि जो भी हमारी सोसाइटी, राष्ट्र है, वहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं चलती हैं और राज्य के द्वारा जो एजेंसी बनाई गई उनके द्वारा अगर कंट्रोलिंग नहीं होती है तो उन पर कंट्रोलिंग के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वो न्याय। यानी जस्टिस न सिर्फ उसको कंट्रोल करेगा बल्कि जस्टिस ये भी बताएगा कि किस व्यक्ति को क्या करना है, उसके कर्तव्य और ड्यूटी क्या है। तो नियंत्रणकर्ता के रूप में सामने आता है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिर्फ कानूनी संहिता नहीं, यानी ये सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या लॉ ऑफ कंडक्ट नहीं है, अपितु उससे कहीं अधिक नैतिक संहिता है। यानी प्लेटो ने न्याय को सिर्फ लीगल या लीगलाइज्ड नहीं माना, इसको एथिकल भी माना। ये मॉरल कोड है, ये एथिकल कोड के रूप में सामने आता है। अर्थात राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य और भूमिकाएँ स्पष्ट परिभाषित हों तो कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह व्यवस्था ही प्लेटो के मतानुसार न्याय कहलाती है। जब हमें मालूम होगा मेरी काम क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, तो हम किसी दूसरे के कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब इंटरफेरेंस नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपने सभी प्रॉपर कार्य करेगा। तो प्लेटो ने ये बातें अपने सिद्धांत में बोली। प्लेटो ने बताया कि समाज में 3 प्रकार के प्रवृत्तियां या टेंडेंसी पाई जाती हैं। ये जो प्रवृत्तियां हैं इसको इन्होंने बताने की कोशिश भी की कि किस किस प्रकार के व्यक्तियों में ये प्रवृत्ति होती है। पहली इन्होंने लालसा प्रवृत्ति या लालच प्रवृत्ति की बात की। तो ये लालच प्रवृत्ति इनका मानना था कि जनसाधारण में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी प्रवृत्ति आती है साहस प्रवृत्ति या करेज वाली। ये कहते हैं कि सैनिक या सुरक्षाकर्मी जो होते हैं उनके अंदर ये प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। और तीसरी रैशनलाइज्ड टेंडेंसी की बात करें, तार्किक प्रवृत्ति, तो रूलर या शासनकर्ता होते हैं उनके अंदर ये प्रवृत्ति व्याप्त होती है। तो प्लेटो बताते हैं कि भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति में नैतिकता का स्तर भी अलग अलग प्रकार का होता है। यानी अगर किसी में लालची प्रवृत्ति है तो उससे अगर आप नैतिकता की उम्मीद करते हैं तो उसकी नैतिकता दूसरे ढंग से निकल के सामने आएगी। कोई साहसी प्रवृत्ति वाला है तो उसके अंदर नैतिकता अलग प्रकार की होती है। तो ये इन्होंने समाज में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों और प्रवृत्तियों को कनेक्ट किया अलग अलग नैतिकता के स्तरों पर, और इन्हीं मापदंडों के आधार पर अब क्या किया जाएगा, न्याय करना चाहिए। प्लेटो ने ये बात बोली, ठीक है। तो ये प्लेटो के
कुछ शुरुआत होती है। अब हम देख लेते हैं इनके न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, प्लेटो जो अपनी थ्योरी बताते हैं जस्टिस को लेकर, तो इसमें क्या क्या उनकी प्रमुख बातें हैं। पहले नंबर का पॉइंट डाल के आप छोटी सी हेडिंग बना के लिख सकते हैं, आत्मा की आवाज। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत कानूनी कम और अंतरात्मा की आवाज पर ज्यादा जोर देने की वकालत करता है। यानी प्लेटो कहते हैं कि न्याय गवाह और सबूतों के आधार पर नहीं, जो कि कानून के आधार पर चलता है, अंतरात्मा की आवाज पर न्याय की बात की जाना चाहिए, जो नियमों के स्थान पर अंतरात्मा की आवाज सुनने पर विश्वास करता है। ये इनकी पहली विशेषता हो जाती है। दूसरी विशेषता रहती है इनकी न्याय के क्रियान्वयन में विविधता, यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस। न्याय का क्रियान्वयन समान ना होकर तीन वर्गों पर आधारित होता है, जनसंख्या यानी जनसाधारण, सैनिक और शासक। ये कहते हैं कि सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते न्याय के मामले में, अलग अलग प्रकार के वर्गों को अलग अलग ढंग से न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। जनसाधारण के लिए न्याय अलग होगा, सैनिक के लिए अलग होगा, शासक के लिए अलग होगा, जबकि आज के समय में ऐसी न्याय की अलग अलग विभेदात्मक व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। इनका तीसरा जो विशेषता है न्याय के सिद्धांत की, ये कहते हैं कि न्याय दो प्रकार का होता है, यानी जस्टिस को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक बोलते हैं व्यक्तिगत न्याय इंडिविजुअल जस्टिस, और दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। अगली इनकी विशेषताएं देखेंगे हम अगले पॉइंट में, दार्शनिक न्यायकर्ता। प्लेटो कहते हैं कि जो भी न्याय का कार्य करेगा, न्यायकर्ता का पर्सनैलिटी कैसी होना चाहिए, व्यक्तिगत व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, यानी फिलॉसफर माइंड वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से न्याय कर पाएगा। और ये इनके सिद्धांत के अनुसार करेक्ट भी लगता है, क्योंकि इनका न्याय नियमों पर आधारित न होकर नैतिकता पर आधारित है, और नैतिकता की पहचान एक दार्शनिक व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, न कि एक कानून का विशेषज्ञ। फिर इन्होंने बात की है अपने न्याय के सिद्धांत में शिक्षा के महत्व की। ये कहते हैं कि नैतिक संवेदनशील और दार्शनिक राज्य के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, शिक्षित समाज ही नैतिक राज्य का सृजन करता है। ये कहते हैं कि अगर राज्य यानी आपको आपका राष्ट्र नैतिक एथिकल बनाना है, संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाना है, और उसमें दार्शनिक तत्व होंगे, तो उसके लिए एजुकेशन मस्ट, शिक्षित समाज ही नैतिक राज्य का सृजन करता है। ये न्याय के सिद्धांत की इनकी पांचवी विशेषता। लास्ट इनकी स्पेशलिटी को हम फिर एक शॉर्ट हेडिंग में लिखते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता। कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि वास्तविक न्याय प्राप्ति तभी संभव है जब राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए। इनके अभाव में न्याय अर्थहीन और उत्पीड़क सिद्ध होगा या उत्पीड़क होता है। यानी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता तो मिले कि जिससे वो अपनी मौलिकता को बचा के रख सके। जैसे आज हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम दी गई है, वैसे ही ये कहते हैं कि व्यक्ति की कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं होना चाहिए। अगर मौलिक स्वतंत्रताएं हैं तब तो इस न्याय का मीनिंग है, अदरवाइज ये मीनिंग लेस हो जाता है और ये न्याय ना होकर एक प्रकार के टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। तो ये प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं, छह हेडिंग में आप दो दो लाइन बढ़ाएंगे बड़ा हो जाता है। और अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताएं, तो यहाँ हम कंप्लीट कर देते हैं। राइट, इसके लिए आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आपको जो आप हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं वो इन हेडिंग को देखकर, चार्ट को देखकर भी एग्जामिनर समझ जाता है कि जब इसने हेडिंग लिखा है, इन पॉइंटों को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो अंदर उसको ये चीज़ें आती होंगी। तो जैसे हमने पढ़ा था ना न्याय के सिद्धांत में, शिक्षित समाज, नैतिक, तीन प्रवृत्ति है ना, अंतरात्मा पर आधारित, अलग अलग प्रकार का वैविध्य यानी डाइवर्सिफाइड जस्टिस की बात करते हैं, उनको लिखा। अब न्याय सिद्धांत की आलोचना भी अगर पूछी जाएगी तो जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ आलोचना के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक है यानी एथिकल है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है।
इसकी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर आलोचनाएं की हैं। ये वाली जो लाइन है कि विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर आलोचना की है, ये सभी जगह फिट कर सकते हैं। जो संक्षिप्त में इस प्रकार है, पॉइंट बना लिया नंबर एक कि प्लेटो के अनुसार न्याय नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, इसके लिए नियमों की अवहेलना की जा सकती है, यानी नियमों का रूल्स को वायलेट कर सकते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि नियमों की अवहेलना करने से निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट और प्राकृतिक न्याय अप्राप्त है। न्याय की बात प्लेटो क्या बोलते हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार से न्याय, और न्याय में भी रूल और नियमों के पालन के स्थान पर ये फिलॉसफी यानी अध्यात्म और नैतिकता पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो एक इसी आधार पर न्याय कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, यानी न्याय प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करता है। प्रकृति के सिद्धांत क्या, एक उदाहरण से समझो कि आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जाति के हों, आप धनवान हो गरीब हो, लेकिन अगर आप बाहर खड़े होते हैं तो सूर्य का प्रकाश सभी के ऊपर समान रूप से गिरेगा, अगर बारिश होती है तो सभी के ऊपर समान रूप से प्रभावित होगी, इसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय। ऐसे ही जो न्याय होगा वो आपकी कास्ट जाति वर्ग इन सबको देखकर नहीं मिलना चाहिए, तो इस आधार पर इनकी पहले पॉइंट में आलोचना की जाती है। दूसरा पॉइंट बनता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल नैतिक उच्च आदर्शों पर जोर देता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एथिकल 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 की बात करता है, जो कि क्या करेगा, व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा करेगा। कैसे, समझ लो कोई व्यक्ति जैसे किसी को भूख लगी है, अब उसके पास पैसा नहीं, कोई रोजगार नहीं, अब भूख लगी है, चोरी करना अनएथिकल वर्क है, लेकिन वो अगर खाने का सामान चुरा लेता है तो इसको तो क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों पर ये फिट नहीं होता है। अगली आलोचना हम और देख लेते हैं ऐसे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट आलोचना का बना सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, जो सभी स्थानों पर एक रूप से लागू हो जाए। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, इसे देश काल यानी अलग अलग देशों में, काल यानी अलग अलग समय में, अलग अलग पीरियड में और परिस्थितियों के अनुकूल लागू नहीं किया जा सकता। यूनानी समाज का संबंध अराजकता संबंधी सीमित घटकों की उपस्थिति से हो सकता है यह सिद्धांत उचित हो, लेकिन वर्तमान में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आलोचना पॉइंट बना के भी की जा सकती है, पैराग्राफ के रूप में भी कर सकते हैं, आप इनको हेडिंग बना के भी कर सकते हैं। उपरोक्त आलोचनाओं से स्पष्ट है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत का महत्व वर्तमान के स्थान पर या वर्तमान के बजाय प्राचीन काल में अधिक है, लेकिन न्याय सिद्धांत में वर्णित नैतिकता, तार्किकता, शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे तत्वों का आज भी उतना ही महत्व है या आज भी ये उतने ही तार्किक और स्वीकार्य। यानी हर चीज के बारे में हम नजरिया सिर्फ नकारात्मक नहीं रखेंगे, उसमें जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हाँ ये फिट है। तो ये न्याय का सिद्धांत जो प्लेटो का था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्लेटो के राज्य संबंधी विचार देख लेते हैं। देखिए ओवरऑल क्वेश्चन प्लेटो का आएगा तो आप न्याय सिद्धांत को शॉर्ट कर देंगे, और सिर्फ न्याय सिद्धांत पर आता है तो पूरा का पूरा आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखें प्लेटो के राज्य संबंधी विचार, ऐसे ही राज्य संबंधी विचार आए तो शुरुआत में एक डायग्राम फ्लो चार्ट बना लेंगे कि इन्होंने राज्य के अंग के रूप में क्या क्या बातें की। न्याय को राज्य का अंग माना, शिक्षा को माना, दार्शनिक शासक को माना और परिवार में साम्यवाद की कल्पना की है। इन्हीं पॉइंट को अब हमें एक्सप्लेन करना है। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में राज्य के अंगों, उसके प्रारूपों और कार्यों की विवेचना की। प्लेटो की राज्य संबंधी विचार संक्षिप्त में निम्नानुसार। प्लेटो ने राज्य के चार अनिवार्य अंग माने, कौन कौन से, तो वही जो हमने अभी लिखे थे उनको लिखते जाएं, हेडिंग बनाते जाएं और उन्हें एलेबोरेट करते जाएं। सबसे पहला आता है न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक संहिता है, जो वो बात ही करते हैं न्याय को एक एथिकल कोड मान के चलते हैं, किसके इंस्टेड ऑफ लीगल कोड। यह अलग अलग प्रवृत्तियों के लिए अलग अलग स्वरूप का होता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अलग अलग लिखा है तो उसको करेक्ट कर लेंगे। अलग अलग प्रवृत्तियों के लिए अलग अलग स्वरूप का होता है। न्याय अंतरात्मा की आवाज पर
अराजकता और अव्यवस्था को नियंत्रित करने वाला कंपोनेंट या घटक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करे, अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। ये प्लेटो ने राज्य के लिए पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट शिक्षा आता है, तो शिक्षा राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिससे तार्किक यानी रैशनलाइजेशन और नैतिक राज्य की स्थापना होती है। शिक्षित राज्य ही सुरक्षित, विकसित और समृद्धशील या समृद्धशाली बन सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, जिसमें ये बात करते हैं किसकी संपत्ति या परिवार के साम्यवाद की। यह राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। प्लेटो के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में संपत्ति यानी आपकी जो वेल्थ है और परिवार में विखंडन नहीं होना चाहिए, यानी इनमें बिखराव नहीं आना चाहिए। इन दोनों पर सदस्यों का सामूहिक अधिकार होना चाहिए, यानी ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली दे हैव कलेक्टिव राइट्स ऑल वेल्थ। इनमें अलग अलग ये जो बंटवारा चलता है वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। और लास्ट इनका पॉइंट है शासक का दार्शनिक चरित्र। प्लेटो का मानना है कि शासक दार्शनिक होगा तो ही राज्य की सुरक्षा और विकास संभव है, जबकि राजनैतिक चरित्र वाले शासक में यह संभव नहीं होता। कुछ हद तक ये ठीक भी है, दार्शनिक व्यक्ति जनता या प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्बिशियस पर्सन होते हैं वो जनता की भलाई के स्थान पर स्वयं की भलाई, स्वयं की फेम और नेम के पीछे भागते हैं। तो प्लेटो के ये राज्य संबंधी जो चार बातें थी उनको आपने हेडिंग करके दर्शा दिया। आगे हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। हमने लास्ट में एक दो क्वेश्चनों में कहा था कि निष्कर्ष अब आपको लिखना आना चाहिए। कई सारे लोगों को निष्कर्ष के बारे में अगर नहीं बताया जाए तो वो ये भी पूछते हैं कि निष्कर्ष कैसा लिखा जाए। पुराने थोड़ा वीडियो आप उन्हें देखें, उनसे लर्न करें, क्योंकि हर क्वेश्चन का रेडीमेड निष्कर्ष नहीं लिखा जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि मैं लिखूँ वैसा आप लिख के आ जाएंगे, कोशिश करें, एफर्ट, लर्निंग अ प्रोसेस जिसे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका निष्कर्ष मैं फिर नहीं बताता हूँ, अब आप लिखें। एक हिंट दे देता हूँ कि निष्कर्ष ओवरऑल मूवी देख के आते हैं 3 घंटे की 2.5 घंटे की, और उसको कोई आपसे 2 मिनट में उसको ब्रीफ करवाना चाहे, बताना चाहे, तो आप बता देते हैं मूवी अच्छी थी, ऐसी थी, इंटरवल का फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा था, बाकी ऐसी बातें निष्कर्ष में लिखी जाती हैं। प्लेटो प्राचीन काल के महान दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक थे। इनकी शिक्षाएं यद्यपि पूरी तरह से वर्तमान में लागू नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आज भी उनकी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई। ऐसे ही तो निष्कर्ष होता है। तो इसको आप कंप्लीट करें, लिखें, और बहुत जल्दी हम आपके सामने एक नए थिंकर को भी सामने रखेंगे। और आप के कमेंट, वैल्यूबल फीडबैक जरूर हमें मिलता रहे, और ऐसे वीडियो आप तक कंटिन्यूस पहुंचे, तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।